सबने इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, सबने हेज फंड में जाना है, सबने प्राइवेट इक्विटी की जॉब करनी है। एक बार ऑनेस्टली सोच के देखिए, क्या आपको इन सब के बीच में डिफरेंसेस पता है? जब आप करियर्स आफ्टर CFA को सोचें, तो इवन इफ यू वांट टू अल्टीमेटली लैंड अप डूइंग एन MBA और अ PhD, अ कोर्स लाइक CFA माइट बोल्स्टर योर एप्लीकेशन इन अ वे इन विच यू कांट रियली इमेजिन। हेलो कैंडिडेट्स, मैं हूँ CFA करण सिंह, लीड फैकल्टी एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल फॉर फाइनेंस एजुकेशन। मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, आजकल लोगों का ये US वाले कोर्सेज में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। US कोर्सेज मतलब CFA, CPA, CMA, FRM एंड वॉट नॉट। ऑलमोस्ट सारे कहते हैं हमने तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, हमने तो वैल्यूएशंस की जॉब करनी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाना है। हाँ सही बात है, अकाउंटेंट कौन बनना चाहता है, टैक्सेशन कौन देखना चाहता है, मुनीम कौन बनना चाहता है, सबने इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, सबने हेज फंड में जाना है, सबने प्राइवेट इक्विटी की जॉब करनी है। एक बार ऑनेस्टली सोच के देखिए, क्या आपको इन सब के बीच में डिफरेंसेस पता है? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, शायद थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग, जब भी लोग सोचते हैं ना कि CFA करना है, दे आर एक्चुअली नॉट विलिंग टू डू CFA, दे आर एक्चुअली एमिंग टूवर्ड्स करियर्स आफ्टर CFA। तो आइए आज की वीडियो में बात करेंगे करियर्स आफ्टर CFA की। इनफैक्ट एज ऑलवेज विल टॉक इन डिटेल एंड विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट करियर्स इन CFA विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ करियर्स आफ्टर CFA, यू आर थिंकिंग ऑफ जॉब्स आफ्टर CFA। इट्स अ नैरो आउटलुक। हम आज के वीडियो में बात करेंगे करियर्स आफ्टर CFA की, जिसमें मेरे हिसाब से दो ब्रॉड एंड्स हैं, एक है जॉब्स आफ्टर CFA और दूसरा होगा एकेडमिक करियर्स आफ्टर CFA। मैं एकेडमिक करियर्स आफ्टर CFA से स्टार्ट करूंगा और इस वीडियो के सेकेंड हाफ में जॉब्स आफ्टर CFA को डिस्कस करूंगा। आइए एकेडमिक करियर्स आफ्टर CFA से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इम्पैक्ट ऑन योर MBA एप्लीकेशन। सुनना एक बार, मुझे पता है ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ आवर BCom, BBA, BBE ग्रेजुएट्स एंड अप गिविंग सम फॉर्म ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम टू गेट इनटू अ मास्टर्स ऑफ सम डिसिप्लिन, मे बी मास्टर्स इन फाइनेंस, मे बी MBA और मे बी सम अदर मास्टर्स। एक बार सोच के देखिए, मान लीजिए एक बार MBA की बात करते हैं। लेट्स से अगर आप MBA में इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से रिलेवेंट एग्जाम्स होंगे बताइए मुझे? मे बी कैट, GMAT, SNAP, NMAT, ZAT, MAT, ऐसे ही कोई एग्जाम देंगे ना आप? ये एग्जाम तो स्टेप वन है किसी भी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। स्टेप नंबर टू होगा प्रोफाइल इवैल्यूएशन। मान लीजिए आप एक BCom ग्रेजुएट हैं, आपके जितने ही परसेंटाइल किसी दूसरे कैंडिडेट के भी आए हैं, दैट पर्सन इज अ BCom ग्रेजुएट प्लस ही हैज क्लियर टू लेवल्स ऑफ CFA। जॉब उसने भी कोई नहीं की है, आपने भी कोई नहीं की है, बोथ ऑफ यू आर फ्रेशर्स। एक बार खुद सोच के देखिए, अगर आप दोनों आगे चल के फाइनेंस में करियर बनाना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको कॉलेज की एडमिशन कमिटी किसे प्रेफरेंस देगी वाइल गिविंग द एडमिशन? मुझे छोड़िए, मेरा तो व्यू बायस्ड हो सकता है, एक बार आप सोच के देखिए, अगर आप एडमिशन कमिटी में होते तो किसे एडमिशन देने को प्रेफरेंस देते? कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, मान लो दोनों कैंडिडेट्स के 10th 12th के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के ग्रेजुएशन में मार्क्स सिमिलर हैं, आप किसे एडमिशन देते? एक BCom ग्रेजुएट को या एक BCom ग्रेजुएट जिसने दो लेवल क्लियर किए हुए हैं CFA के? आई थिंक यू हैव द आंसर। मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, सर एक बात बताओ, CFA वर्सेज MBA विच इज बेटर? मैं कहता हूं, अरे भाई कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है दोनों के बीच में, काहे का CFA वर्सेज MBA? ऐसा क्यों ना सोचो कि CFA करके प्रोफाइल अच्छी बिल्ड कर लो, ऐसा क्यों ना सोचें कि CFA करके एक टेक्निकल जॉब ले लेते हैं और MBA करने के बाद अपस्किल कर लेंगे अपने आप को, बेटर नेटवर्क में, बेटर ऑर्बिट में, बेटर कंट्री में, बेटर पैकेज के साथ जॉब कर लेंगे। व्हाई टू थिंक ऑफ CFA वर्सेज MBA? व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ CFA एंड देन डू एन MBA? सोचने में लग सकता है कि अभी पहले 2-3 साल ये पढ़ो फिर 2 साल MBA करो, ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। दोस्त ऐसा है, अगर जॉब की सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, तो जो मिलती है सस्ती मंदी जॉब वो कर लो,
अगर करियर की सोच रहे हो तो करियर तो ताजमहल के जैसा होता है, बनाने में सालों लग जाते हैं दोस्त। आप अगर ये इमेजिन कर रहे हो कि बस एक दो साल में कुछ रेडी टू कुक मिल जाए, नहीं होने वाला ऐसा। बन भी जाओगे तो कुछ तोड़ नहीं बनोगे। करना है लंबा काम करो, पहले CFA कर लो, बाद में MBA कर लेना, या CFA कर लो, बाद में बाहर जाके यूरोप US जाके किसी बड़े कॉलेज से मास्टर्स इन फाइनेंस करना, कोर फाइनेंस में जॉब करना, मैसिव करियर बनाओ। छोटी चीज़ का है क्लेम करनी यार लाइफ में। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप करियर्स आफ्टर CFA को सोचें, तो इवन इफ यू वॉन्ट टू अल्टीमेटली लैंड अप डूइंग एन MBA और अ PhD, अ कोर्स लाइक CFA माइट बोल्स्टर योर एप्लीकेशन इन अ वे इन विच यू कांट रियली इमेजिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। अब आते हैं सेकेंड एस्पेक्ट का डिस्कशन करने के लिए। अब डिस्कस करते हैं करियर्स आफ्टर CFA विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जॉब। इसमें मैं सबसे पहले दो फेजेस में डिवाइड कर लेता हूँ अपने डिस्कशन को। पहला है सेल साइड एडवाइजरी, दूसरा है बाय साइड एडवाइजरी। सेल साइड एडवाइजरी मतलब आप एक ऐसे एडवाइजर हैं जो लाला जी की हेल्प करेंगे उनकी कंपनी बेचने में, ठीक है ना। आप जिसकी कंपनी बिकवाओगे उसे मैं लाला जी कह के संबोधित कर रहा हूँ, रिस्पेक्टेबल इन माई ओन टर्म्स। अगर आप एक सेल साइड एडवाइजर हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर नाम से जाना जाता है। लेट्स से आपको एक स्टार्टअप ने अप्रोच किया, उन्होंने आपको कहा कि हाँ जी मेरी कंपनी में 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, आप मुझे 10% स्टेक बिकवा दो 10 करोड़ रुपए में। ये एक सेल साइड एडवाइजरी का असाइनमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इज समथिंग दैट यू कैन एस्पायर टू बी आफ्टर यू हैव डन विद CFA। मैं कहीं से भी ये बोलना इंटेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप CFA बनने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ दैट इन ऑर्डर टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर द स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड आर कवर्ड इन योर CFA एजुकेशन, बट इसके बियॉन्ड भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। योर सॉफ्ट स्किल्स, योर मेल राइटिंग स्किल्स, योर रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, योर फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स, योर वैल्यूएशन स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। धीरे धीरे CFA अपने कोर्स को सोफिस्टिकेटेड बनाते जा रहा है। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ Level 2 करिकुलम। दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी आई एम प्रिटी श्योर धीरे धीरे काम हो ही रहा है। अब अगर सेल साइड एडवाइजरी में इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठा है तो बाय साइड एडवाइजरी में प्राइवेट इक्विटी वाले बैठे हैं। प्राइवेट इक्विटी मतलब कि आप किसी कंपनी का स्टेक खरीदोगे, तो यू कैन एस्पायर टू बी अ प्राइवेट इक्विटी गाय आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर CFA। मीनिंग आपके पास HNIs ने पैसा दे रखा होगा और आप अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करके उनके लिए खरीद के लेके आएंगे। ऑब्वियसली शायद आप सेल साइड एडवाइजर्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे बताओ तुम्हारे पास क्या कंपनी है बेचने के लिए। यू विल स्टडी दोज एंड द वंस यू थिंक वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर योर इन्वेस्टर्स यू विल बाय देम। दैट वॉज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स फॉर यू। द थर्ड पीस इज हेज फंड पीपल या करियर्स इन हेज फंड। जनरली करियर्स इन हेज फंड की बात की जाती है तो उसे F&O या डेरिवेटिव से एसोसिएट किया जाता है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। हेज फंड्स एक्चुअली हैव द लाइसेंस टू डू एनी गॉडडैम थिंग इन दिस कंट्री इन ऑर्डर टू जनरेट अल्फा। हेज फंड वाला चाहे तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर सकता है, चाहे तो टेक्निकल इन्वेस्टिंग कर सकता है, चाहे तो F&O डेरिवेटिव में पैसा लगा सकता है। कुल मिला के हेज फंड प्रोफेशनल को इन्वेस्टर्स ने पैसे दे रखे होते हैं कि आप हमें हमारे पैसे पर रिटर्न जनरेट करके दीजिए। किस व्हीकल से रिटर्न जनरेट करेंगे वो सब आपकी चिंता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाइए, अंत में साल के एंड में हमें XYZ% का एब्सोल्यूट रिटर्न आना चाहिए। ये है हेज फंड डोमेन। नेक्स्ट सेगमेंट इज वन कैन ऑल्सो प्लान टू गेट इनटू एन इक्विटी रिसर्च डोमेन, मे बी गेट इनटू पोर्टफोलियो एडवाइजरी और समथिंग। इसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आप जो कंपनीज लिस्टेड हैं मार्केट में उनकी एनालिसिस करेंगे, मे बी कुछ टाइम बाद सेक्टर एक्सपर्ट्स बन जाएंगे और अपने यूजर्स को इन डेप्थ स्टडी प्रोवाइड करेंगे इक्विटी रिसर्च मॉडलिंग और इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट्स के द्वारा। तो लेट्स से कि अगर आप IT फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, KPIT इन सबको स्टडी करेंगे और अपने
यूजर्स को ये बता रहे होंगे कि हाँ जी मेरे हिसाब से केपीआईटी का भाव अच्छा चल रहा है, इस रेट पे मुझे केपीआईटी पसंद है, आप अभी बाय कर सकते हैं, इसका करंट प्राइस 100 रुपये है, इसका टारगेट प्राइस 500 रुपये हो सकता है अगले 4 साल के अंतराल में, आई थिंक दिस शुड बी अ गुड बाय। दिस इज वॉट एन इक्विटी रिसर्च गाय वुड वर्क लाइक। बेसिकली अगर आप सोच पा रहे हो तो दिस पर्सन इज मोर और लेस वर्किंग लाइक एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, लाइक अ सेल साइड एडवाइजर, बट इट जस्ट दैट ही इज नॉट वर्किंग विद द कंपनी पर से, ही इज अ थर्ड पार्टी जो कि कंपनी के अवेलेबल डेटाबेसेस को स्टडी करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजर्स को। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या कर रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी के साथ काम कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बैंकर को जब कोई डिटेल्स चाहिए थी, मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मुझे मेरी स्टार्टअप ने बोला कि भाई मुझे 10% स्टेक बेचना है, तो मैं उन्हें बोलूँगा अपने फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करो, अपने फ्यूचर के प्लान्स प्रोवाइड करो, अपने फ्यूचर के प्रोजेक्टेड सेल्स बताओ क्या होंगे, और उसके बाद मैं मॉडल बना के उनके पास लेके जाऊंगा, बोलूंगा आपको ठीक लग रहा है, वो जो भी चेंजेस कराएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं कंपनी की वैल्यूएशन निकाल के कोशिश करूंगा कि मार्केट में जो बाय साइड एडवाइजर्स हैं वो उस पर पैसा लगा सके। तो थोड़ा सा सटल डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट स्किल सेट मोर और लेस सेम रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली इसका अगला पाथ होगा पोर्टफोलियो मैनेजर बनना, जिसमें आप खुद एग्जीक्यूशन कर दोगे। अभी तक के क्या हो रहा था, आप एडवाइजरी, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एक एडवाइस दे रहा था कि दिस शेयर इज अ बाय एट दिस भाव फॉर मी और नॉट, एंड दिस शेयर इज अ सेल फॉर मी और नॉट। पोर्टफोलियो एडवाइजर क्या कर रहा है, या पोर्टफोलियो मैनेजर रादर क्या कर रहा है कि उसके पास एग्जीक्यूशन का पावर है, उसके पास लोग पैसा जमा करा दे रहे हैं। थिंक ऑफ आई मीन अ म्यूचुअल फंड लाइक लेट्स से अ पराग पारेख। व्हाट वुड अ पराग पारेख डू, मैं उसमें 1,00,000 रुपए की SIP हर महीने डालता हूँ, आप भी डालते होंगे, ऐसा टोटल करके पराग पारेख के पास हर महीने 10 करोड़ रुपए पूल हो जाता है। ये 10 करोड़ रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये पराग पारेख के फंड के एम्प्लॉयज सोचते हैं और उसके बाद उस फंड्स को डिप्लॉय कर देते हैं। व्हेन आई एम सेइंग डिप्लॉय कर देते हैं, इट्स नॉट लाइक दे आर इशूइंग एन एडवाइजरी कि ये खरीद ये बेच, नो, दे आर एग्जीक्यूटिंग इट एट देयर ओन। वो बाय और सेल का सौदा खुद लगा रहे हैं, खुद परचेस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। मोर और लेस ये जॉब डोमेन्स हैं आफ्टर क्लियरिंग योर CFA। ये सारे डोमेन्स थे मार्केट्स रिलेटेड। अब मैं आपसे 3 डोमेन्स की और बात करना चाहता हूँ, विच इज़ मोर कंसल्टिंग रिलेटेड डोमेन। सुनना, मैंने खुद इन डोमेन्स में वर्क किया हुआ है, तो शायद मैं इनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। ध्यान दीजिएगा, एक है फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक है वैल्यूएशंस, एंड द लास्ट वन इज डिस्प्यूट वैल्यूएशंस। सुनिएगा, फाइनेंशियल मॉडलर क्या काम करता है। अ फाइनेंशियल मॉडलर्स बेसिक वर्क इज टू बिल्ड द प्रोजेक्शंस बेसिस द इनसाइट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अगेन, शायद स्किल सेट मोर और लेस वही है जो एक सेल साइड एडवाइजर को चाहिए होता, वही है जो शायद CFA में एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाता ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंशियल मॉडलर को ये काम दिया जाता है कि वो एक बिजनेस को बहुत अच्छे से समझे, उसके करेंट फाइनेंशियल्स का यूज़ करें, मैनेजमेंट से डिस्कशंस करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करें, उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें, खुद बहुत सारी रिसर्च करके देखें कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है, क्या चीज़ इमेजिनेबल है और क्या चीज़ सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं। इस बेसिस पे प्रोजेक्शंस बनाएं, इस बेसिस पे प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। ये है एक फाइनेंशियल मॉडलर का काम। सेकेंड डोमेन है वैल्यूएशंस का। आज तक मैंने जितनी भी कॉर्पोरेट जॉब्स में पार्टिसिपेट किया, उनमें से मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जॉब वैल्यूएशंस की लगी। व्हाई डू आई से दिस, बिकॉज दिस वाज अ डोमेन इन विच देयर वाज नो प्रेशर ऑन मी एवर कि मैं वैल्यूएशन को या ऊपर रखूं या नीचे रखूं। आई रिपीट, अगर आप वैल्यूएशंस डोमेन में हैं तो आपके पास फाइनेंशियल्स बन के आएंगे, आपको कंपनी की, अपनी सब्जेक्ट कंपनी, अपने क्लाइंट की वैल्यूएशन करके देनी होगी। ये वैल्यूएशन का पर्पस क्या हो सकता है, हो सकता है रेगुलेटरी पर्पस के लिए कोई वैल्यूएशन करा रहा हो सकता है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए वैल्यूएशन हो रही हो सकता है वैल्यूएशंस हो रही हो इस पर्पस से कि चलो आगे चल के कोई M&A एक्टिविटीज प्लान लो, या हो सकता है कोई इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो उसकी वजह से वैल्यूएशन हो रही हो। कुल मिला के वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट इज एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज टू बी डन बाय अ प्रोफेशनल। आज बात करते हैं कि इस
काम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड इंडिपेंडेंट, इट्स लाइक दिस। अगर मेरे पास कोई कंपनी आई है वैल्यूएशन कराने के लिए इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए, तो उस कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन होगा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला होगा कि जाओ ऐसे वैल्यू करा के लाओ किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से। नाउ इवन दो द फीस इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉर्पोरेट टू एन एक्सपर्ट, बट आई कैन नॉट बी बायस्ड इन माई ओपिनियन विच आई एम स्टेटिंग इन द रिपोर्ट। इस वजह से मैं रिपोर्ट में वैल्यू 100 दूं या 1000 दूं, ये प्योरली मेरा मत है, ये प्योरली मेरी फ्री विल है, एंड आई विल ऑलवेज फॉलो ऑल द रिक्विजिट स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द वैल्यूएशन नॉर्म्स इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द करेक्ट वैल्यू। इस वजह से मुझे ये डोमेन हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद थी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में द इंटेंट इज टू क्लोज द डील बाय सेलिंग द कंपनी। पी फंड में द इंटेंट इज टू बाय अ कंपनी इन ऑर्डर टू डिप्लॉय द फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो हर जगहों पे क्या था कि काम कितना भी कर लो, पैसे आएंगे या जाएंगे तब जाके काम कंप्लीट माना जाएगा। ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें पैसा आने जाने से खाक कोई रिलेशन नहीं है। आप तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हो, आपको लगता है चीज़ की वैल्यू 2 करोड़ है तो आप 2 करोड़ की रिपोर्ट बना के दे दोगे, भले उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी को वैल्यू कम लगे या ज़्यादा लगे वो उनकी चिंता। तो आपको प्योरली आपकी स्किल के ऊपर जज किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था इस डोमेन में काम करना। इनफैक्ट इसी डोमेन की एक ब्रांच है वैल्यूएशन फॉर डिस्प्यूट पर्पजेज। मैंने इस डोमेन में बहुत सारे असाइनमेंट्स किए हुए हैं, शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थिंक ऑफ इट यूजिंग दिस सिंपल एग्जाम्पल। लेट से NHAI ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया मुझे कि आपको XYZ रोड बनाना है, 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये रोड रेडी हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर। अब अगर ये रोड मैं नहीं बना के दे पाता हूँ तो मुझे फाइन पे करना पड़ेगा, बट अगर मैंने रोड टाइमली बना दिया तो मुझे इंसेंटिव फीस मिलेगी। Now what happens is that after 1 year I am not able to construct this road, but I file a case against NHAI that मैं इस road को बना लेता अगर तुम अपना end of the deal पूरा कर देते। जैसे इस पूरे के पूरे contract में मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि मुझे जो raw material की supply है वो NHAI की तरफ से आनी है, but उन्होंने मुझे raw material नहीं दिया, तो मैं court में case क्या file करूँगा कि भाई NHAI तुमने मुझे contract के तहत रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, इसकी वजह से मैं रोड नहीं बना पाया, और क्योंकि मैं रोड नहीं बना पाया तो मुझे फाइन पे करना पड़ा। और फाइन छोड़ो, अगर तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो रॉ मटेरियल था वो प्रोवाइड कर देते तो फाइन तो छोड़ो, मुझे तो साथ साथ में इंसेंटिव भी मिलना था। तो आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट NHAI फॉर रिकवरिंग ए द फाइन दैट आई हैव पेड, बी द प्रॉफिट दैट आई वुड हैव जनरेटेड इन द नॉर्मल बिजनेस टर्म्स, सी द एडवांटेज और द प्रीमियम दैट आई वुड हैव रिसीव्ड फॉर कंप्लीटिंग द कंप्लीट टास्क इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब ये पूरी की पूरी जो क्वांटिफिकेशन है ये कौन करेगा? ये एक डिस्प्यूट वैल्यूअर करेगा। तो जब ये दो केसेस होंगे बिटवीन लेट्स से NHAI एंड द कॉन्ट्रैक्टर, हम दोनों के लॉयर्स फाइट कर रहे होंगे, और जो भी लॉयर विन करता है केस उसके डिस्प्यूट वैल्यूअर को, उसके एक्सपर्ट विटनेस को क्वांटिफाई करने का मौका मिलेगा कि कितना लॉस की भरपाई होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्टर केस, मेरा लॉयर केस जीत जाता है और कोर्ट ये मान लेता है कि हाँ जी NHAI की गलती है, करण सिंह ने तो सही काम किया था इसीलिए ये केस जीता जाता है करण सिंह के हक में, बट वॉट विल आई गेट एज फॉर विनिंग द केस? वो अमाउंट बताना पड़ेगा ना कि ये केस जीतने का पैसा कितना मिलेगा मुझे। ये काम एक एक्सपर्ट विटनेस, ये एक डिस्प्यूट वैल्यूअर करता है। ये मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन के सिनेरियो में बताया। सिमिलर केसेस आते हैं डाइवोर्स के सिनेरियो में, सिमिलर केसेस आते हैं सिबलिंग्स राइवलरी के सिनेरियो में, सिमिलर केसेस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट के सिनेरियो में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वैल्यूएशन का बेस यूज करके अगर डिस्प्यूट सिनेरियोज को सेटल किया जा रहा है तो दैट इज वैल्यूएशन फॉर डिस्प्यूट पर्पजेस। ये सारे डोमेन्स में आप अपने करियर प्लान कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर CFA। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उनका आंसर करने का।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, बट हमें बताना ज़रूर कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। थैंक्स अ लॉट, बाय।